Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.6 of chapter fraction. See, first question, बच्चो first question मैंने उसमें बहुत सारे parts हैं, लेकिन मैंने ऐसे parts लिए हैं जो आपको addition और subtraction को समझा देंगे और एक example मैंने like fraction का लिया है और एक example मैंने unlike का लिया है ताकि आपको पूरा concept समझ में आ जाएगा कि करना क्या है आपको। देखिए प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ने का तरीका पहले सीखिए। वन होल नंबर वन अपॉन थ्री प्लस थ्री होल नंबर टू अपॉन थ्री, बिल्कुल ऐसे यहां आ जाइए। फोर होल नंबर टू अपॉन थ्री प्लस थ्री होल नंबर वन अपॉन फोर, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद एडिशन करेंगे और उसके बाद अपने आंसर को वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले मैं एक आपको एग्जांपल ये लिखा हुआ है, वन होल नंबर वन अपॉन थ्री प्लस थ्री होल नंबर टू अपॉन थ्री। पहले आप इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वन प्लस वन बाई थ्री प्लस थ्री प्लस टू बाई थ्री, ओके, ये आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बीच में एडिशन लगा दो तो एडिशन लगा दो। अब देखिए ध्यान से पहले बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है, वन होल नंबर वन अपॉन थ्री, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों आपका थ्री होल नंबर टू अपॉन थ्री। अब बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है ये, इसका मीनिंग क्या होता है ये, बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखिए बच्चों, होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड कर दीजिए और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ऐड कर दीजिए, ओके बच्चों। अब ये क्या हो गया बच्चों, थ्री प्लस वन फोर हो गया, और ये क्या है बच्चों, ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन को एडिशन, मैंने बताया था अगर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है तो बहुत ही आराम से कंपेयर कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, थ्री अपॉन थ्री आ जाएगा। थ्री अपॉन थ्री क्या होता है प्यारे बच्चों, वन होता है, तो कितना आ जाएगा आंसर, फाइव आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया आपका ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बच्चे जो है समझने में गलती करते हैं। अब आप आइए, ये फोर होल नंबर टू अपॉन थ्री, मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चों फोर होल नंबर टू अपॉन थ्री को क्या लिखेंगे हम लोग, 4 प्लस टू अपॉन थ्री, ओके। फिर आइए प्लस थ्री होल नंबर वन अपॉन फोर, क्या लिखेंगे, थ्री प्लस वन अपॉन फोर। अब आप क्या काम करिए, होल नंबर को होल नंबर के साथ लिख लीजिए और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ लिख लीजिए, ओके। अब ये कितना हो गया, सेवन। अब यहां पर किस टाइप का फ्रैक्शन है आपका, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था थ्री और फोर का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। सभी को मालूम है प्यारे बच्चों, थ्री और फोर का एलसीएम क्या आएगा, ट्वेल्व आएगा। तो आप क्या काम करिए, अब आपको बताया था मैंने डिनोमिनेटर को आप एलसीएम के इक्वल करिए, डिनोमिनेटर को आप एलसीएम के इक्वल करिए, एलसीएम पता है आपको ट्वेल्व आ रहा है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये एट अपॉन ट्वेल्व आ जाएगा प्लस थ्री अपॉन ट्वेल्व आ जाएगा। अब ये किसमें बदल गया बच्चों, ये आपका अब हो गया लाइक फ्रैक्शन। अब एडिशन करना बहुत आसान है, सेवन प्लस इलेवन अपॉन ट्वेल्व, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया, ओके। ये इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको हर एक बात समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर होल नंबर टू अपॉन फाइव को हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, फोर प्लस टू अपॉन फाइव, आगे बढ़िए। माइनस, अब ये टू होल नंबर वन अपॉन फाइव को हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्लस वन अपॉन फाइव। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस का सिंबल है तो इसका मतलब है अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहां पर आप कहेंगे सर कोई सिंबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहां सिंबल नहीं तो इसका मतलब प्लस है, तो यही आएगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो 4 प्लस टू बाई फाइव आ गया बच्चों, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, 4 माइनस टू को अलग लिख लीजिए और 2 बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव को अलग लिख लीजिए, 4 माइनस टू टू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये कैसा फ्रैक्शन है बच्चों, ये आपका लाइक फ्रैक्शन है।
आप आराम से कर लेंगे 2 माइनस 1 1, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था। अब आप देखिए ध्यान से बी का सेकंड पार्ट देखिए, 8 होल नंबर 1 अपॉन 4 माइनस 2 होल नंबर 5 अपॉन 6। सबसे पहली बात, 8 होल नंबर 1 अपॉन 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 2 होल नंबर 5 अपॉन 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब आप देखिए 8, ये तो आपका प्लस में ही आएगा, आपको बताया था मैंने ब्रैकेट के बाहर अगर कोई सिंबल नहीं तो प्लस है तो प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, ओके, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। अब आप देखिए पहले बच्चों 8 माइनस 2 को अलग कर लीजिए, 1/4 माइनस 5/6 लिख लीजिए, 8 माइनस 2 6 होता है। अब यहां पर फिर से वही बात, 4 और 6 का क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 12 आएगा बच्चों, आप निकाल के देख लीजिएगा 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मैंने बताया था डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना होता है बच्चों, तो ये आपका 3/12 आ गया, ये आपका 10/12 आ गया। अब यहां देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो चुका है, देखिए ध्यान से। अब 6, अब आपको पता है बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस 10 अपॉन 12। 3 माइनस 10 अपॉन 12 क्या होता है, 3 माइनस 10 क्या होता है बच्चों बताओ, ये -7 अपॉन 12 होता है, क्योंकि इंटीजर्स में मैंने बताया था 3 माइनस 10 क्या होता है, -7, ये लिख दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से ये इसका मतलब ऐसे हुआ, देखिए ये हुआ 3 माइनस 10 कितना हो, -7 अपॉन 12। अब देखिए ध्यान से इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा और आपने ये लिखा। अब 1 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 6 अपॉन यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से 72 अपॉन 12, ठीक है, ये माइनस का 7 अपॉन 12। अब ये आपका सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 72 प्लस माइनस 7। अब मैंने आपको इंटीजर से बढ़ा रखा प्लस इंटू माइनस माइनस, 72 माइनस 7 अपॉन 12 कितना आ गया, 65 अपॉन 12। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 12 5 60, ये आपको क्या आएगा, ऐसे लिखना होता है, पहले ये लिखना होता है 5 होल नंबर 5/12। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इसमें 3 माइनस 10 यहां इंटीजर्स का भी मैंने यूज कर दिया है, तो 3 माइनस 10 क्या हो गया, -7 हो गया, कोई बात नहीं, जैसे जैसा लिखा हुआ वैसे लिखेगा। 1 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, क्या आया, 12 आया। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे, यहां कितना आ गया 72 अपॉन 12, यहां कितना गया माइनस का 7 अपॉन 12। आपको पता है कि अब ये क्या हो चुका है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर मैं फ्रैक्शन नहीं बोल पाऊंगा इसको, ये फ्रैक्शन नहीं बोल पाऊंगा मैं इसको, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि अगर ये फ्रैक्शन निगेटिव हो गया तो ये रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है ये। कोई बात नहीं, जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, प्लस इंटू माइनस माइनस, 72 माइनस 7 65 अपॉन 12। अब आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आपने अपना आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नैना वाज गिवन 1 होल नंबर 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वाज गिवन 1 होल नंबर 1/3 पीस ऑफ केक। नैना को इतना दिया गया हिस्सा, नजमा को इतना दिया गया हिस्सा, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम, दोनों को कितना दिया गया। तो यहां पर क्या करना है बच्चों, यहां पर एडिशन करना है, साथ साथ क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि यहां पर हमें दोनों के हिस्सों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने आपको एडिशन समझा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब इनको अलग कर लीजिए, होल नंबर को और फ्रैक्शन को अलग कर लीजिए, अब ये 2 आ गया। अब 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6 होगा, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 6, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन 6। इसका मतलब है इसको हम कह सकते हैं 2 होल नंबर 5 अपॉन 6, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कुछ नहीं करना था बच्चों, इसको ऐड करना था। उसने कहा फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ केक, टोटल अमाउंट ऑफ केक, केक इक्वल टू, आपने दोनों को दोनों के हिस्सों पर ऐड कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया, टू होल नंबर 5/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बॉक्स आंसर 4, बॉक्स माइनस 5/8, बॉक्स माइनस 5/8 इक्वल टू 1/4। मैंने आपसे कहा था आपको बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप 5/8 इधर ऐड कर दीजिए और 5/8 इधर ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। 1/4 प्लस 5/8, 4 और 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 8। अब आपको डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है, तो 2/8 प्लस 5/8 यानी कि 7/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 7/8 जब आएगा आपका, तो 7-5 2/8 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, बॉक्स माइनस 1/5 इक्वल टू 1/2। आप क्या काम करिए, यहां पर प्लस का 1/5 इधर भी ऐड कर लीजिए और प्लस का 1/5 इधर भी ऐड कर लीजिए, कैंसिल हो गया। बॉक्स इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5, ये कर दिया आपने, 5/10 प्लस का 2/10 यानी कि 7/10, इसका आंसर क्या आ गया, 7/10, और यहां पर आप 7/10 लिख देंगे। बहुत ध्यान से काम करना है आपको, जैसा मैंने कहा है वैसे ही आपको समझाना है एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। आप देख रहे हैं इधर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वो प्लस है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है माइनस है, इधर की मूवमेंट प्लस है, नीचे की मूवमेंट माइनस है, दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं इसमें से एक पार्ट आपको बताऊंगा, दूसरा पार्ट आप अपने आप करेंगे। मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत आसान है, क्योंकि ये लाइफ फ्रैक्शन का पार्ट है, ये आप आराम से कर लेंगे। आप ये वाला पार्ट में आपको समझाऊंगा, सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगा। देखिए आपको ऐसे ऐड करना है, तो 1/2 प्लस 1/3, ये आपका आंसर जो है 5 है। 1/2 प्लस 1/3 को ऐड कर लीजिए, तो कैसे ऐड होगा, मैंने आपको बताया 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो यहां पर आपको डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है, तो ये आपने कर दिया यहां पर, तो आपका 3/6 प्लस का 2/6 यानी कि 5/6, यहां पर आपका क्या आएगा, 5/6 आएगा। ओके, अब आप 1/3 प्लस 1/4 को ऐड करिए, 1/3 प्लस 1/4 को ऐड करेंगे तो यहां पर एलसीएम 3 और 4 का 12 आएगा, तो यहां पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे आपको 3 से, 4/12 प्लस का 3/12 इक्वल टू 7/12, यहां पर क्या आएगा, 7/12 आएगा। ओके, अब आपको ऐसे क्या करना है, 1/2, अब इधर इस तरफ क्या करना है ध्यान से लिखिएगा, इस तरफ आपको माइनस करना है। आइए माइनस करते हैं, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, तो यहां पर आपको डिनोमिनेटर को एलसीएम के, यहां पर 2 से किया, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल किया, तो 3/6 माइनस का 2/6, ये आपका 1/6 आ जाएगा, यहां 1/6 लिख दीजिए। अब 1/3 माइनस 1/4 करेंगे, 1/3 माइनस 1/4, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर के इक्वल करेंगे, ये लिखा 4/12 माइनस का 3/12 यानी कि 1/12, यहां पर 1/12 आ जाएगा। अब आप यहां आइए, 5/6 माइनस का 7/12, अब ये देखिए इसको भी देख लेते हैं, 5/6 माइनस का 7/12, 6 और 12 का एलसीएम आपका 12 आएगा, आप डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे, यहां पर 2 से, यहां पर 1 से कर दिया, 10/12 माइनस का 7/12 यानी कि 3/12 आंसर आएगा, यहां पर आप 3/12 लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आंसर जो है वो आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जयदेव टेक्स टू होल नंबर 1/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। जयदेव स्कूल ग्राउंड को पूरा वॉक करने में अक्रॉस टू होल नंबर 1/5 मिनट लेता है, और राहुल कितना लेता है, 7/4 मिनट्स लेता है टू डू द सेम आपका ग्राउंड है, आपका स्कूल ग्राउंड। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट। तो पहले तो आप क्या काम करिए, पहले कंपेयर करिए, फर्स्ट वी कंपेयर एंड देन सब्ट्रैक्ट
हाउ मच? देखिए 2 होल नंबर 1/5 लिखा हुआ है और यहां पर 7/4 लिखा है, क्या कंपेयर कर दीजिए 2 होल नंबर 1/5 और 7/4 को कंपेयर करते हैं। देखिए ध्यान से इसको कंपेयर करने का तरीका देखिए, ये आपका लिखा, अब इसको आप देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल फ्रैक्शन में 5 + 10, 10 + 1 = 11/5 और ये 7/4 है। देखिए एक तरीका तो ये है, इधर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इधर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहां 35 आ रहा है और यहां पर ऊपर 44 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये टू होल नंबर 1/5 आपको ग्रेटर देन है। जयदेव जो है, जयदेव टेक्स मोर टाइम, यानी कि राहुल टेक्स लेस टाइम। राहुल जो है ये राहुल का है और ये आपका जयदेव है, ये आपका जयदेव है, तो राहुल जो है वो कम समय लेता है। राहुल 7/4 यहां पे कम आ रहा है, यहां ज्यादा आ रहा है, यानी कि राहुल टेक्स लेस टाइम देन जयदेव टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। तो पहली बात तो पहला आंसर आ गया, राहुल टेक्स लेस टाइम एंड बाय व्हाट, कितना कम ले रहा है। तो भाई आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 11/5 माइनस का 7/4, 5/4 का एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा 20 आएगा। यहां निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 20, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल होना चाहिए, यहां 5 से कर दीजिए, कितना आ गया 44/20 माइनस का 35/20, कितना आ गया आपका 9/20 मिनट जो है वो क्या करता है, कम लेता है, 9/20 मिनट कम लेता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।